तो मैं वहां से बनारस में आ गया और बनारस से मेरा थर्ड क्लास से स्टार्ट हो गया पढ़ाई। तुम आईआईटी ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला इंजीनियरिंग। मुझे इंजीनियरिंग पता था लेकिन पता नहीं था कि बीटेक्स होता है। और मैंने एनडीए के लिए सर की वीडियो 11 से ही देखता था। मुझे पता भी नहीं था कि ये निमसेट कराते हैं, लेकिन ये सर थे कि एकदम दोस्त जैसा बात करते थे एकदम। अब ये मिल गए तब तो बिना कुछ पूछे ही ज्वाइन कर लिया। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 163 है, सत्यम सिंह थे जो कि वाराणसी से हैं और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। और अलॉट बोले की जगह मैं बोलूंगा कि इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद ही पहली प्रेफरेंस रखी थी। तो सबसे पहले तो आपको एनआईटी इलाहाबाद और 163 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सत्यम सिंह अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें उसके पहले मैं बताना चाहूंगा इन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए जो कि अपने आप में मायने रखता है। तो सत्यम आपकी सक्सेस जर्नी क्या एंटायर वो बताएं, दूसरा आपने ग्रेजुएशन के साथ आपका मैनेजमेंट कैसे था वो बताएं क्योंकि कई लोग ग्रेजुएशन के साथ मैनेज नहीं कर पाते स्पेशली टाइम, तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम सत्यम सिंह है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 163 आया है और मुझको तो इलाहाबाद ही चाहिए था क्योंकि मेन बात है कि इलाहाबाद का सर जो मोतीलाल नेहरू है बहुत फेमस है और हमारे चाचा और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सर उन्होंने वहाँ से पढ़ाई भी किया और कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम होता था जैसे पॉलिटेक्निक होता था तो वहाँ पे जब जाते थे तो उनको लगता था कि क्या कितना अच्छा कॉलेज है, काश यहाँ पे मैं पढ़ पाता। तो बहुत अच्छा लगाव भी है उस कॉलेज से। तो मेरा बचपन, वैसे मैं गाजीपुर का हूँ, गमर गाँव, वैसे तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट विलेज है और वहाँ पे फौजियों के लिए जाना जाता है। तो वैसे वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे 10-12 पढ़िए और उसके बाद तैयारी में लग जाइए आर्मी की दौड़ में। तो सबका वहाँ पे सपना यही रहता क्योंकि अगर वहाँ पे आप आईआईटीयन भी बनते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको इज्जत भी नहीं देता है। लेकिन अगर आप आर्मी में जाते हैं सैनिक, या अगर आप तो एनडीए से अफसर बन जाते हैं, तब तो बैंड बाजा आप पूछिए ही मत। तो वहां से हमारे जो पापा थे उन्होंने सपना लिया था कि नहीं अपने बेटों को हम पढ़ाएंगे, हम आर्मी में ना इसको हम एक अच्छा फ्यूचर लेके जाएंगे। तो उन्होंने बनारस लेके आया और उन्होंने सपना देखा था कि हम इसको एक अच्छा पढ़े और अपना नाम रोशन करें। तो मैं वहां से बनारस में आ गया और बनारस से मेरा थर्ड क्लास से स्टार्ट हो गया पढ़ाई, ऐसे में पढ़ता रहा। हाँ, और ये मैं बता देना चाहूँ, मेरा मतलब पढ़ाई में मेरा अच्छा रहा, मतलब स्कोर हर समय अच्छा रहता था, पोजीशन अच्छा रहता था। लेकिन फिर जब क्लास 8 हुआ तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए, तो उस समय थोड़ा सा वो हुआ कि अब बनारस से शिफ्ट होके अब वापस गांव चले जाए क्योंकि बनारस में पापा लेके आए थे, अब कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भैया ये दोनों तो बहुत ही बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं, पापा का ड्रीम था एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा सा एक ड्रीम, मतलब अच्छा पढ़ के निकले, मतलब एक नाम रहे कि हाँ लड़का गांव से बनारस गया है तो एकदम अच्छा करके जाए। तो उन्होंने मना कर दिया और बनारस में ही रही। तो वैसे तो हमारे किराए का रूम था, 2 रूम था, लेकिन मेरा पर्सनल रूम था, मतलब मम्मी और भैया मेरे रूम में कोई किसी को भी आने नहीं दिया जाता था। मतलब अगर रिश्तेदार आ जाए, मतलब 10 लोग भी आ जाए तो एक रूम में ही 9 लोग रहेंगे और मेरा रूम कोई नहीं। मतलब कि यह है कि मेरे लिए एकदम वो था कि नहीं इसमें कोई नहीं जाएगा, छोटा बच्चा भी आता था तो नहीं घुसने देते थे मेरे रूम में। और मेरा रूम एक तरह से एकदम जेंटलमैन पढ़ाई वाला एकदम रूम रहता था, टेबल कुर्सी हर चीज A to Z। तो फैसिलिटी के मामले में तो कोई कमी नहीं रहा और सपोर्ट के मामले में कोई कमी नहीं रहा। लेकिन ये बात होता है कि आप पढ़ने में तेज हो लेकिन एक होता है कि आपकी जो लिमिट होती है वो आपको पता नहीं चल पाती। जैसे कि बहुत तेज तेज लोग अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, किस वजह से? नॉलेज की वजह से, कोई दिखाने वाला रास्ता नहीं होता है। तो सपोर्ट तो हाँ हमारे मम्मी भैया ने किया लेकिन उतना नॉलेज नहीं था कि हाँ अब क्या करें, इसके बाद 12 के बाद क्या कर सकते हैं। तो 12 के बाद एक तरह से एकदम शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद रोल आता है मेरी दोस्त साक्षी का, जिसने मुझको बताया कि नहीं तुम इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, 12th तो हो गया लेकिन इससे अच्छा बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे गाँव में तो सिंपल ये रहता है कि अगर आप गधे हैं तो BA करिए, अगर आप तेज हैं तो BSc मैथ करिए, इज्जत मिलता है BSc मैथ को, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो BCom। यही सिंपल सा रूल होता है, मुझे यही पता था। लेकिन क्लास 12th में क्या हुआ कि बहुत बच्चे ने IIT का तैयारी दे रहे थे, तो मैंने पूछा कि अरे यार तुम IIT ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला इंजीनियरिंग। मुझे इंजीनियरिंग पता था लेकिन पता नहीं था कि बीटेक्स होता है। तो उन्होंने तब बताया कि IIT और ये होता है, इसके लिए उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। और जो दोस्त थी साक्षी, उसने बताया कि नहीं वो BCA कर रही थी और मैं वही BA करने वाला था क्योंकि BSc नहीं करता, क्योंकि मुझे आर्मी में जाना था तो मैं सोचा कि BSc करूंगा तो दौड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि दौड़ चाहिए और एक अच्छा सा फिजिकल के लिए टाइम देना पड़ता है। तो उसने बताया कि BA करोगे,
बीए अगर मान लो कि आर्मी द्वारा नहीं हुआ इन केस, तो प्लान भी तो होना चाहिए। तो उसने बोला कि बीसीए कर लो, उसमें भी पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जितना तुम हो तुम पढ़ भी लोगे और कर भी लोगे। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं नहीं बीसीए जब मैंने करने लगा तो मुझे पता चला यार ये तो यार बहुत बवाल चीज है यार, बीसीए एमसीए और पैसा तो बहुत अच्छा खासा है। और इसमें मेन बात है कि मैथ था और मैथ से सर मुझे बहुत प्यार था, तो फिर मैंने उसको क्विट किया और बीसीए और एमसीए के लिए। और मैंने एनडीए के लिए सर की वीडियो 11 से ही देखता था, मुझे पता भी नहीं था कि ये निमसेट कराते हैं। तो फिर बाद में जब निमसेट के लिए बात हुई कि कहाँ ज्वाइन करें, तो पहले तो सबका ये रहता है कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, लेकिन ये था कि कोरोना हो गया तो ऑनलाइन ही करना पड़ा। तो ऑनलाइन में जब मैंने देखा तो सर निकले हमके, ये तो गुरु मिल गए, अब तो इनसे पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। और मुझे यकीन था हो जाएगा, क्योंकि इनका पढ़ाना हम तो मतलब 12th बोर्ड में कोई भी टॉपिक रहता था मैथ का छोटा हुआ क्वाड्रेटिक किया, इनका वन शॉट 1-2 घंटे का रहता है क्वाड्रेटिक कोई भी टॉपिक का देख लेता था। अब ये मिल गए तब तो बिना कुछ पूछे ही ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन के बाद ऐसा रहा कि मुझे लगा था कि हाँ स्कोर देखने के बाद, पहले तो स्कोर बेकार आता था मॉक टेस्ट में, 360 400 आता था। तो और सर को भी मैंने बहुत परेशान किया मैसेज कर करके, लेकिन ये सर थे कि एकदम दोस्त जैसा बात करते थे, एकदम कूल रखे, ऐसा नहीं कि कोई टीचर हो स्ट्रिक्ट टीचर। कि पहले तो मुझे डर लगता था कि अरे यार इनसे कैसे बात कर ले, इनके पास टाइम होगा कि नहीं होगा, नहीं। लेकिन ये था कि इनके पास सबके लिए टाइम रहता था और इनको सारे लोगों के बारे में नॉलेज भी रहता था कि हाँ कौन क्या क्या कर रहा। तो पहले थोड़ा सा डर था कि ऑनलाइन तो ले लिया हूँ निकलेगा नहीं मेरा, क्योंकि लोग भी सब बोलते थे कि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन करो, वहाँ पे जाके वहाँ का जो इन्वायरमेंट मिलता है, और ये सच बात है वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है। और मैं बहुत बार आया भी हूँ लेकिन कुछ कारणवश चला गया। पहली बार तो ये था कि मेरे घर वाले बहुत बार बोले थे कि अरे वहाँ पे जा रहे हो कैसा लग रहा, कैसा लग रहा है, तो वापस वो थोड़ा इमोशनल होकर मैंने आ गया। दूसरी बार तो मैं फिर आया, मैं सोचा नहीं आऊंगा तभी यहाँ पे होगा, तो दूसरी बार तो एग्जाम आ गया तो उसकी वजह से मैं आ गया, लेकिन ऑनलाइन होते हुए भी हो गया। रूटीन की बात की जाए तो वैसा ही था, मैंने सोचा था ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो, लेकिन ऑफलाइन जैसे ही फॉलो करूंगा। 8 बजे उठता था और 8 बजे से पढ़ता था और बीच में ही खाना होना और सब जो ऑफलाइन रहता था वैसा ही मेरा डेली रूटीन था। और ये था कि जो प्रतीक सर कंप्यूटर में पढ़ाए थे उतना ही मैं पढ़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। उतना ही पढ़ने से मैं 9 सवाल किया था ये निमसेट में और मेरा 1 गलत हुआ है। और सर जो मैथ बताए थे वो बोले थे कि मॉक टेस्ट जैसा देना है, मैंने मॉक टेस्ट जैसा ही दिया और बहुत आसानी से हो गया। और फिर बाद में ये रहा कि पहले तो जब मैंने निमसेट दिया था तो मुझे लगा था कि थोड़ा बेकार चला गया, तो पहले मैं रायपुर की वीडियो देखने लगा था कि अब तो शायद रायपुर ही मिलेगा, तो रायपुर की वीडियो पूरा वॉच करने लगा, पूरा कैंपस उम्पस और भैया लोग का इंटरव्यू देखने लगा। फिर आंसर किया है तो मुझे लगा कि चलो अब भोपाल मिल जाएगा, कुरुक्षेत्र मिल जाएगा, तो कुरुक्षेत्र और भोपाल का वीडियो देखने लगा। फिर बाद में जब रैंक आया तो हमके तो इलाहाबाद मिल जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं रहा। और जब मैंने बताया अपने चाचा को, करें वाह क्या बात है, इसमें तो मतलब कि थोड़ा वो है कि वहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो है उसका बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, बहुत पुराना कॉलेज है और बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हमारे हैं दादा उदा मतलब उसके कॉलेज में बहुत जानते हैं, तो थोड़ी इज्जत भी थोड़ी बढ़ गई। और सर से ये जो भी कुछ हुआ सर, क्योंकि मेन बात है कि आप कितने भी तेज हों, जैसे कि ये था कि मेरे 12th में 100 में से 94 नंबर आया था मैथ में, लेकिन ये था कि आपको जो डायरेक्शन दिखाते हैं ना ये सर, क्योंकि वो बताते थे कि कैसे कैसे करना, क्योंकि मेन बात है कि मैंने एररलेस लिया था, आरएस अग्रवाल का एप्टीट्यूड लिया था, शुरुआत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि सर बताए थे कि, और मैंने सर के इंटरव्यू भी देखा था, बाद में वहां पता चला कि लोग इससे भी निकाल लेते थे, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, तो मैंने उसी से किया और मेरा हो गया। बिल्कुल सही बोला सत्यम आपने, एक तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज में से एक, NIT में से, और दूसरा बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं। और क्योंकि आपने वहाँ इतना सुन रखा था तो एक मन में था, और डिफेंस में जाने की इच्छा थी पर बाई चांस नहीं जा पाया, कोई बात नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसने बोली कि नहीं मुझे क्या करना है, कहीं ना कहीं कोई सही समय पर गाइडेंस वाला मिल जाए ना, जैसे आपकी एक फ्रेंड मिल गई, कई लोगों को गाइडेंस करने वाला ही नहीं मिलता। और अगर हम एक बार रास्ता गलत पकड़ लेते हैं, जैसे अभी आपने बोला ना बीए, कई बच्चे बीए जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं और मुझसे बोलते हैं सर हमें एमसीए करना, पर हमें पता ही नहीं था कि निमसेट के थ्रू होता है और उसके लिए बीए वाले बच्चे एलिजिबल नहीं। इवन मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने बीए पूरा करके दोबारा बीसीए किया। तो सही समय पर गाइडेंस मिलने की बहुत जरूरत होती है, तो अच्छी बात ली रकीली रहे कि सत्यम को सही समय पर गाइडेंस मिल गया। फिर इनका मैथ्स में इंटरेस्ट था, पढ़ाई की, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाइनल ईयर में जब इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, भोपाल आए पर चले गए, पर वही चीज करी जो क्लासरूम में होती थी और उसका ही आपको रिजल्ट मिला। अच्छा अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में? जूनियर्स को मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो, तुम बस अपना 100% बेच दो,
ये नहीं कि कितना भी रैंक आया, और एकदम अच्छे से बैठ दो। और पहली बार ड्रॉपर के लिए मैं ये कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि NIT इतना अच्छा है कि मैं तो चाहूंगा कि आप एक साल ना निकले, दो साल ना निकले, आप 10 साल ड्रॉप ले लीजिए, 20 साल ले लीजिए, लेकिन NIT निकालिए, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है, एक बार निकल जाएगा तो पूरी जिंदगी सवर जाएगी। देखिए ये बात सुन के आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि 10 साल निकालिए 20 साल निकालिए, पर ये इस बात में बहुत गहरी बात है। मैं अक्सर, मेरे पास मेडिकल वाले बच्चे भी आते हैं ना, जब कोई मेडिकल के लिए एंट्रेंस दे रहा होता तो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा मान लो, क्योंकि मेडिकल में तो सबसे हाईएस्ट कॉम्पिटिशन मेडिकल में, मैं पूछता हूँ अगर फर्स्ट ईयर में मान लो आपने दिया और नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो बोलते हैं ड्रॉप लेंगे। बोलता हूँ ठीक है, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ तो क्या करोगे, सर ड्रॉप लेंगे और साथ में BSc कर लेंगे। या मैं पूछता हूँ थर्ड ईयर में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जब कोई ये बोलता है मैं बोलता हूँ फिर डॉक्टर नहीं बनोगे, अगर डॉक्टर बनना है तो ये बोलो जब तक नहीं होगा देंगे एग्जाम, और अगर आपने ये थॉट रखा तो मैं श्योर हूं कि आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में होगा। yes. यही बात है कि अगर आपने सोचा NIT जाना और आपने ये सोच लिया कि NIT ही जाना है, मान लो 10 साल नहीं लगेंगे, पर आपने ये ड्रीम बना ही लिया, यही विजन बना लिया कि कंप्रोमाइज नहीं करना, तो मैं श्योर हूं कि आप बिल्कुल पहले दूसरे अटेम्प्ट में 100% अच्छी रैंक के साथ निकाल लोगे। तो सत्यम आपने एक तो बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, तो वंस अगेंस्ट कांग्रेचुलेशन, आप आगे भी ऐसे ही बढ़ो और NIT में भी जाके इसी तरह से परफॉर्म करो। और क्योंकि आप जिस जगह से आए हो, छोटे से गांव से, वहां पर भी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ। yes, क्योंकि क्या है कि एक ही भेड़ चाल जैसा नहीं होना चाहिए कि कम पढ़ाई की तो दौड़ लगा लिए सैनिक बन गया, ऐसा नहीं। अब एक अच्छा ड्रीम, अच्छा विजन होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो छोटे से, मतलब छोटा नहीं बड़ा कस्बा है, वहां पर जाके इस चीज के लिए मोटिवेट करो, स्कूल कॉलेज में कुछ सेशंस लो, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस किसी को सही समय में मिल जाए तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन सर। एक और लास्ट करना चाहता बिल्कुल बोलो, और मैं चाहूंगा आपका आगे का विजन क्या है वो भी आप बताओ तो बहुत अच्छा होगा। कि सर जब मैं BCA कर रहा था तो किसी को पता नहीं BCA के बारे में, तो मतलब कुछ इज्जत ही नहीं था, मतलब BCA कर रहे हो क्या कर रहे हो, मतलब ये था कि BCA जो भी थे, मतलब ऐसी बात नहीं कि कुछ लोग कर रहे थे तो कुछ लोग कर रहे थे तो कुछ लोग तो वो थे कि बेरोजगार थे, मतलब कुछ आइसक्रीम की दुकान में काम कर रहे हैं MCA करके, कुछ लोग ये था कि BCA करके 10-15 हज़ार का नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब कि भैया में ये था कि यार तुम ये क्या कर रहे हो ये सब, लेकिन बाद में जब NIT निकला तो खुशी का ठिकाना नहीं। और लास्ट में ये कहूंगा कि ये जो मेरा NIMCET निकला है ये तो साक्षी वजह से निकला, क्योंकि मैं BA और BSc करने वाला था और मैं BA, उसने ही बताया कि BCA कर लो, बहुत ही अच्छा चीज। बिल्कुल सही बात बोली। देखिए सिंपल ग्रेजुएशन से आजकल कुछ नहीं होता, और BCA क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले का कोर्स है, नहीं तो लोगों ने BA, BCom और BSc ही सुना होता था। तो anyway, अंत भला तो सब भला। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू।